गाइस कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो, सेफ हो। सो टुडे आई एम बैक विद द अनदर रिव्यू वीडियो। और आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ, आई थिंक बाय द टाइटल तो आपको पता चल ही गया होगा और मेरे लुक से भी आप बहुत ही अच्छे से गेस कर पा रहे होंगे। सो या मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक आई शैडो पैलेट की। और जिस पैलेट का मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ वो है मीन्स आजकल मेरा वो ब्रांड जो है ना, मेरा करेंट फेवरेट ब्रांड है, क्योंकि वो इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और तो आप प्राइस रेंज उनकी बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे और क्वालिटी बहुत ही सही लग रही है। सो या मैं और किसी ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक की। ओ माय गॉड, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स खरीदे तो उनमें से आज जो प्रोडक्ट मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो होगा ये है मार्स कॉस्मेटिक का आई स्कैन कील आई शैडो पैलेट। सो या गाइस आप देख सकते हो इस पैलेट को, मार्स कॉस्मेटिक जो है ना उनका आई थिंक ये सबसे पहला बिग पैलेट इन्होंने लॉन्च किया है और इसे लॉन्च हुए आई थिंक 8-9 मंथ्स हो चुके हैं। मैंने इसके बारे में कहीं भी देखा सुना नहीं था, अचानक से मैं ऐसे अमेजन पे गई, मुझे ये पैलेट दिखा तो मुझे लगा अरे मार्स का एक बड़ा पैलेट भी है, क्योंकि मैंने तो अभी तक जो भी यूज किए हैं मार्स के आई शैडो पैलेट ना, वो छोटे छोटे से पैलेट जो होते हैं वो पैलेट मैंने इनका यूज किया था, तो मुझे लगा अरे मार्स ने कब इतना बिग सा ह्यूज सा पैलेट लॉन्च कर दिया। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हुई इसको देख के। तो मुझे लगा प्राइस मैंने जब इसका देखा तो मुझे लगा नहीं, मैं मुझे तो ट्राई करना है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं जो भी ये न्यू लॉन्च कर रहे हैं ना। मार्स 3 मैट बॉक्स लिपस्टिक जो इन्होंने लॉन्च की है वो भी मैंने परचेस की और उसका मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी रिव्यू डाल दिया है। सो या चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उस वीडियो का लिंक आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगी। सो इस पैलेट के बारे में जो भी मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को इस वीडियो में, वो मेरी ऑनेस्ट रिव्यू होगी। सो या ये कोई भी स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, क्योंकि हाँ आप लोग ऐसा सोच सकते हो क्योंकि मैं इसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही हूँ इस ब्रांड की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे आजकल यही ब्रांड पसंद आ रहा है, मुझे स्विस ब्यूटी ब्रांड भी बहुत ही अच्छा लगता है, उनके प्रोडक्ट्स भी मुझे बहुत ही पसंद आते हैं, मुझे इनसाइड कॉस्मेटिक के न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो अभी हम बात कर रहे हैं इस पैलेट के बारे में, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये वर्थ बाइंग है या नहीं। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। तो या फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो आप इस पैलेट को देख लो पहले। सो या ये है इसकी आउटर पैकेजिंग और पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है, मीन्स मरून कलर का है, गोल्ड कलर से लिखा हुआ है और इस पे इतने खूबसूरत खूबसूरत से मैसेजेस लिखे हुए हैं ना कि मस्त हो प्रिटी, मस्त दो नैन, गेट मी मेकअप, सुबहान अल्लाह, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी सॉन्ग नहीं है जो। तो या बहुत ही खूबसूरत से जो भी ये मैसेज है उनका कोट्स है या फिर जो भी है, मीन्स पैकेजिंग वाइज जब बाहर से आप इसे देखोगे ना तो ही अट्रैक्ट हो जा रहा हो। मैंने इसे देखा और मुझे लगा वाओ नहीं ये तो मुझे लेना है, इतना खूबसूरत दिख रहा था। इसके आउटर पैकेजिंग पे इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है, इसकी मैन्युफैक्चर डेट, इसकी प्राइस सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को इसे ओपन करके दिखा देती हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों से भी वेट नहीं हो रहा होगा। सो या ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से नजर आता है, आप देख सकते हो सेम टू सेम जैसे इसकी आउटर पैकेजिंग है ना, सेम टू सेम इनर पैकेजिंग भी वैसे ही है। इस पर भी बहुत ही खूबसूरत सा मार्स मरून कलर गोल्डन में सेम है, आप देख सकते हो। तो पैकेजिंग की बात करें ना तो पैकेजिंग इसकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मीन्स बहुत ही स्टर्डी, बिल्कुल भी चीप क्वालिटी की नहीं है। बस हाँ एक बात मैं आप लोगों को पैकेजिंग की बात कर रही हूँ तो एक बात आप लोगों को यहीं पर बता दूं कि जब मैं इसे होल्ड करके मेकअप कर रही थी, क्योंकि ये आई लुक जो आप अभी मेरे फेस पे देख रहे हो मैंने इसी पैलेट को यूज करके किया है, तो मैंने दोनों ही आईज में डिफरेंट डिफरेंट कलर के आई शैडो यूज किए, क्योंकि मुझे था कि नहीं मैं टेस्ट ही कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोगों के साथ रिव्यू कर रही हूँ, तो मैं जितना ज्यादा से ज्यादा कलर जो है आई शैडो जो है वो यूज कर सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। दैट्स वाई मैंने दोनों ही आईज में दो कलर के आई लुक किए हुए हैं और मैंने फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे इस तरह से किया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। इस पैलेट को होल्ड करके मेकअप कर रही थी ना तो मुझे थोड़ा सा ये हेवी लगा, हेवी इन द सेंस कि आपके हैंड में ना हल्का सा दर्द आ जाएगा, मीन्स इतना हेवी है ये तो। बट मैनेजेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हैंडल नहीं कर सकते, बट हाँ पैकेजिंग की बात कर रहे थे तो हम मैंने सोचा कि नहीं आप लोगों को ये बात भी बता दूं। एक प्लास्टिक का सीट मिल जाता है जिसको मैंने अभी जस्ट हटाया,
सो या आप देख सकते हो, मींस इट्स अ ह्यूज पैलेट। मैं भी इसके पीछे छुप जा रही हूँ। ये है 63 कलर आई शैडो पैलेट। सबसे अच्छी बात मुझे इस पैलेट की क्या लगती है ना, कि इन्होंने कलर फैमिली जो है बहुत ही अच्छे से डिफरेंशिएट किया है। एक साइड नियॉन है, एक साइड ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, पिंक है, ब्राउन्स है, यहाँ तक कि आपको इस पैलेट में व्हाइट एंड ब्लैक शेड भी मिल जाएगा। सो या मीन्स इसमें आपको सारे शेड मिल जाएंगे, ऐसा कोई शेड नहीं है जो इसमें नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। और मिरर की क्वालिटी तो ओ माय गॉड बहुत ही अच्छी है। मिरर की क्वालिटी सुपर है। और किसी भी मेकअप प्रोडक्ट में मीन्स खास करके आई शैडो, कोई भी पैलेट हो, उसमें आपको मिरर मिल जाता है तो मीन्स चार चांद लग जाता है, उस पैलेट की खूबसूरती बढ़ा देता है। सो इस पैलेट के बारे में अपना मैं पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी, वीडियो के लास्ट में, कि ये पैलेट जो है मुझे कैसा लगा पर्सनली, और ये पैलेट आप लोगों को मेरे ओपिनियन में लेना चाहिए या नहीं, कलर इस पैलेट की कैसी है, पिगमेंटेशन कैसी है, कलर पे ऑफ कैसा है, फॉल आउट होता है या नहीं, ये सब बातें हम करेंगे। पहले मैं आप लोगों को इसका हैंड स्वेचेस दिखा देती हूँ, और हैंड स्वेचेस देखने के बाद आप देखो कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है इस पैलेट के थ्रू, फिर हम डिटेल में बातें करते हैं। चौकी नहीं है। हाँ, सिमर सेट कोई कोई चौकी थे बट सारे नहीं। पिगमेंटेशन में भी थोड़ी सी मुझे कम लगी, क्योंकि मुझे मैट सेट काफी अच्छा लगा, काफी ज्यादा पिगमेंटेड है मैट सेट जो है। सिमर सेट थोड़े कम पिगमेंटेड है कंपैरिजन टू मैट सेट, बट या बहुत ज्यादा वाव नहीं है, बट ठीक है, ओके ओके है। और ग्लिटर जो प्रेस ग्लिटर है वो तो मुझे काफी अच्छा लगा, मीन्स काफी बटरी सॉफ्ट आप बोल सकते हो, ब्लेंडेबल है, इतने अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा था, प्लेस हो जा रहा था इतने अच्छे से।
या उसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई, थोड़ा बहुत फॉलआउट हुआ बट इट्स ओके। मेन कंसर्न हमारा किसी भी पैलेट से होना चाहिए पिगमेंटेशन, तो पिगमेंटेशन वाइज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कलर तो बहुत ही मीन्स सारे कलर, इसमें इतने सारे कलर है ना कि मीन्स अगर आप बिगनर हो फिर तो आपको मीन्स आप ये पैलेट ले लो एंड दैट सेट, यू आर सॉर्टेड, यू आर गुड टू गो। आपको अलग से और कोई पैलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फुल फेस इस पैलेट के थ्रू कर सकते हो। और अगर ऐसा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिगनर हो तभी, आप अगर कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हो ना तो आप इस पैलेट को डेफिनेटली ले सकते हो। सो गाइज, दिस पैलेट इज अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड बिकॉज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कलर पे ऑफ बहुत ही अच्छा है। मीन्स मार्स कॉस्मेटिक इज डेफिनेटली डूइंग ए गुड जॉब गाइज, और आई विल हाईली रिकमेंड टू यू गाइज। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई करो, मुझे तो काफी अच्छा लगा। इस प्राइस में आपको इतना अच्छा पैलेट मिलता है, मीन्स इट्स वर्थ बाइंग। सो या दिस इज इट गाइज, होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर बेल आइकन ही नहीं प्रेस करोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन कैसे जाएगी आप लोगों तक, तो या आप उसको प्रेस कर देना, ऑल वहां पे एक बेल की साइन होती है उसको आप प्रेस करोगे ना तो वहां पे ऑल करके आता है, आप उसको प्रेस कर दोगे तो आपको आप लोगों के पास मेरे सारी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन चले जाएंगे। तो या गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।